हेलो फ्रेंड्स, देवघर से चांदनी व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बेसन की टेस्टी सी सब्जी। तो इसे बनाने के लिए हमने एक कटोरी बेसन लिया है और इसे हमने डाल लिया है। एक कटोरी बेसन में हमने आधी छोटी चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर डाला है और इसमें हमने आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाला है, आधी छोटी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से पानी डाल के मिक्स कर लिया है। तो इसे आप कुछ इस तरह से मिक्स कर ले, इसका बैटर कुछ इस तरह से बनाए। जब ये ऐसा बन जाए तो हम इसमें फिर से एक कप पानी डालेंगे और फिर इसे इस तरह से मिलाएंगे। तो इसका हमें एक पतला सा बैटर बनाना है और थोड़ा थोड़ा करते करते पानी आप डालें। और अब हमने कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में हमने जो बैटर बनाया है उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब हम गैस का स्विच ऑन कर देंगे। तो इसे हल्के हल्के हाथों से हम मिलाएंगे, इसे मिलाते रहिए, ये थिक होते जाएगा धीरे धीरे। ये देखिए फ्रेंड्स, कैसे ये एकदम थिक सा हो गया है, पेस्ट जैसा बन चुका है। इसे और हम मिलाएंगे, इसे थोड़ा और हम गाढ़ा करेंगे और फ्रेंड्स ये रेडी है। अब हम एक बर्तन में से निकाल लेंगे इसे पूरे डो को और इसे अच्छे से फैला लेंगे और अब हम इसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और जम जाए, फ्रिज में रख देंगे। तो रख देते हैं फ्रेंड्स। अभी हमने फ्रिज से इसे निकाला और ये एकदम सेट हो चुका है। अब हम इसे काट कर बर्फ़ी का शेप देंगे। तो इस तरह से कुछ काटे फ्रेंड्स, आपको इसको जैसा भी शेप देना हो आप दे सकते हैं। मैंने बर्फ़ी का शेप दिया है और ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे शेप बनकर रेडी हुए हैं और कितना अच्छा इसका मोटापा है, मतलब सब चीज़ एकदम अच्छे से बन के रेडी हो चुका है, चिपक भी नहीं रहे। अब हम मसाला पीसेंगे। मसाले में हमने एक कटे हुए प्याज लिए हैं और चार से पांच हरी मिर्च, चार से पांच लहसुन की कलियां अगर आप लहसुन खाते हैं तो, और इसमें हमने आधी छोटी चम्मच के करीब काली मिर्च डाला है, आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा और एक टुकड़ा अदरक का डाल के पीस लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में हमने तेल डाला है, तेल जब हल्का भून जाए तो हम इसमें जीरा डालेंगे और जीरा डालते ही हमने जो पेस्ट रेडी किया है वो डाल देंगे और इसे एकदम अच्छे से चलाएंगे। तो मसाले को हम एकदम अच्छे से भून लेंगे फ्रेंड्स तेल में, देखिए एकदम अच्छे से पक जाए, कच्चापन इनका दूर चला जाए। तो मसाला हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने एक बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी डालकर इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसका कलर बहुत ही अच्छा दिखने लगा है फ्रेंड्स और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इस स्टेज पर हम इसमें दही फेटा हुई दही लेंगे। दही लेकर हम उसे फेट कर अच्छे से पतला कर लेंगे और दही डाल के हम इसे मिलाएंगे अच्छे से। गाइस इस तरह से आप बनाओ, बहुत ही टेस्ट लगती है ये सब्जी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये दही हमारा एकदम अच्छे से पक चुका है मसालों में। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उबाल आ गया है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और सब्जी मसाला डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। मिलाकर फिर से हम इसमें एक उबाल आने दे देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल दें और बस फ्रेंड्स उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उबाल आ चुका है इसमें। अब हमने जो अपनी बर्फियाँ रेडी की थी बेसन की, वो हम एक एक करके इसमें अच्छे से डाल देंगे और डालने के बाद हम इसे चलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी लग रहा है,
खाने में भी बहुत ही अच्छा था। ये पनीर को की सब्ज़ी को फेल कर देगा। और अब हम इसे ढक कर के 10 मिनट पकाएंगे। तो 10 मिनट हो गया फ्रेंड्स और ये सब्ज़ी एकदम बन के रेडी है। तो आप इसे सर्व करें और खाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा दिख रहा है। और ये सब्ज़ी सबको बहुत ही पसंद आती है। तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते फ्रेंड्स।